नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। कुछ लोगों के लिए जो एक तरह से बोला जाए एक बहुत लंबा ये केस चल रहा था बीएड और बीटीसी को लेकर कि प्राइमरी भर्ती में बीएड वाले एलिजिबल होंगे कि नहीं। ये शुरुआत हुआ अगर हम बात करें तो राजस्थान से इसकी, एक तरह से राजस्थान में प्राइमरी के लिए बीएड वालों को जब बाहर किया गया, ऐसे ही करते करते अदर स्टेट्स में भी शुरू हो गया। फिर इसका मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और आज वो घड़ी आ गई कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला इन बीएड और बीटीसी का जो विवाद चल रहा था उस पर सुना दिया। तो बीएड वालों बच्चों के लिए काफ़ी दुख की बात है कि फैसला उनके हित में नहीं रहा और फैसला गया बीटीसी वालों के लिए, क्योंकि बीटीसी जो होगा वो प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल होगा ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। एक उम्मीद थी बीएड वाले बच्चों को सुप्रीम कोर्ट से कि फैसला हो सकता है कि पक्ष में आ जाए, दोनों लोग साथ में रहें, बीएड बीटीसी प्राइमरी का टीचर बन पाए। बाकी एनसीटी ने जो कहा है कि एक ब्रिज कोर्स करके प्राइमरी के टीचर के लिए चीजें हो सकती हैं बीएड भी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सभी सिनेरियो को देखते हुए आज जो फैसला आना था आपका 29 अगस्त में, लेकिन फैसला रिजर्व था, बस सुनाना था, अचानक से आपका फैसला आ जा गया और फैसला ये सुनाया गया कि बीएड को प्राइमरी जितनी भी पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो पीआरटी की वैकेंसी है, प्राइमरी की जो भर्ती है, इसके लिए ये एलिजिबल नहीं रहेंगे। जितने भी बीएड वाले बच्चे हैं आज से वो 1 से 5 तक के जो टीचर बनने की एलिजिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग एक आपका कह सकते हो कि इसमें वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। प्राइमरी के टीचर के लिए बीएड को हटा दिया गया है। प्राइमरी टीचर बनना है तो बस आपका बीटीसी या जो आज के समय में डीएलएड बोला जाता है यही आपका मान्य होगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने यही फैसला सुनाया है कि बीएड को प्राइमरी भर्ती से बाहर किया जाए। इसीलिए आपकी जितनी भी, जैसे अभी केंद्र विद्यालय प्राइमरी की जो पीआरटी का रिजल्ट था इसीलिए होल्ड रखा गया था, अब जल्द ही आपके केंद्रीय विद्यालय का रिजल्ट भी आ जाएगा। और वहां पर लिखा भी गया था कि बीएड वाले का जो भी होगा निर्णय वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अकॉर्डिंग होगा। तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय यही है कि प्राइमरी से बीएड को बाहर किया गया है। एक दुख की बात तो काफ़ी है, बच्चों ने इतना मेहनत किया भर्तियों में, मेहनत से पेपर दिया, अच्छे मार्क्स भी लाया और अंत में उनके हाथ में बस यही लगा कि हमें इस भर्ती से अब बाहर होना पड़ रहा है। तो एक दुख की बात है, काफ़ी दुख की बात है उन बच्चों के लिए। अगर सुप्रीम कोर्ट को दो हित की बात सोचनी थी तो दोनों को हित लेके चलना चाहिए था, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट है, न्यायालय है, उसके आगे जो है उन्होंने कई पक्ष देखे होंगे, ठीक है, कई सिनेरियो देखा होगा, तब जाके एक फैसला सुनाया है। जो एक तरह से बोला जाए न्यायालय का सबसे उच्च जो दरवाजा है वहां से फैसला आया है, तो वो ऐसी चीजें नहीं है, सबके हित अहित को देखकर ही उसने सुनाया होगा। जो भी हुआ तो बीटीसी वालों एकदम तैयार हो जाएं, अब आप लोगों के लिए प्राइमरी के दरवाजे खुल गए हैं और बीएड वाले आप जो है इससे ऊपर, प्राइमरी से ऊपर आप टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया। जब डीएलएड को वहां पे मौका नहीं दिया जा रहा था, आपको दिया जा रहा था, तो जाहिर सी बात है तो कुछ चीजें आप लोगों के लिए हो गई हैं, कुछ डीएलएड वालों के लिए रिजर्व हो गई हैं। तो आप लोग बस मन लगा के पढ़ते रहिए, कोई बात नहीं है। जो भी आप तैयारी कर रहे हैं आगे आने वाले एग्जामों की तैयारी करिए, टीजीटी पीजीटी करिए, 6 से 8 तक की जो भर्ती आती है उसके लिए करिए। कोई भी दिक्कत है, समस्या है, कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही है, कोई पॉइंट नहीं क्लियर हो रहा है, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके समस्याओं का समाधान किया जाए। तो चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।